प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपने लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की मशहूर पत्रकार अंजू पंकजी और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और दबंग सुप्रीम कोर्ट की वकील नाज़िला खान जी, जो कि बात करेंगी बड़े इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव मुद्दे पे, यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। मैं ये जानना चाह रही थी कि आप जैसे निकाह की वैरायटीज बताएं, ये तो पूरे भारत में होगा, तो जब यूसीसी आएगा तभी इस पर रोक लगेगी? हाँ जी। और ये लेकिन ये असम में अभी नए कानून के साथ रोक लग गई, जैसे इसको हटाएगा वैसे वहां रोक लग गई, लेकिन बाकी देश को इंतजार करना पड़ेगा, बाकी देश में जो मुस्लिम बेटियां उनको इंतजार करना पड़ेगा यूसीसी का? मैं आपको बता रही हूँ, जब यूसीसी के बारे में पार्लियामेंट के अंदर जब बात हुई थी तो एक ओपन वोटिंग का एक एप्स सबके फोन पर आया था, सब जगह आया था। आखिर क्यों 67.2% मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी के पक्ष में वोट किया था? ये तो ऑन रिकॉर्डेड है, ये तो हवाबाजी नहीं है, कोई भी सर्च कर सकता है कि 67.2% मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी के पक्ष में वोट किया था। क्यों किया था? इसी अश्लीलता से बाहर निकलने के लिए, इसी कुरनीति से, इसी कुप्रथाओं से बाहर निकलने के लिए। और जिस दिन यूसीसी भारत में आ गया उस दिन सबसे ज्यादा मुसलमान लड़कियां खुश होंगी, क्योंकि आने वाले वक्त में मेरी बेटियां मेरी बहनें सिर उठा करके जिएंगी, और अगर उनके ऊपर कोई तिरछी नजर डालेगा या उनको तलाक का के जैसा कोई गाली उनके चेहरे पर चिपकाया जाएगा तो वो सीधा कोर्ट जाएंगी और कानूनी प्रक्रिया से अपनी लड़ाई लड़ेंगी। कोई मुल्ला दाढ़ी टोपी वाला किसी के सामने उनको आने की जरूरत नहीं है। और ये इतने अश्लील होते हैं मुल्ला दाढ़ी टोपी वाले, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आप सोचिए कि ज्यादा नहीं, मैं अभी आपको बता देती हूं, 12 फरवरी को अरशद मदनी ने कहा था, इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी एंड प्रेसिडेंट ऑफ द जमायतुल उलमाए हिंद ने कहा था कि एनी लॉ अगेंस्ट शरिया इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अस, सेज मौलाना अरशद मदनी ऑन यूसीसी। कहा था ना मेरे पास वो न्यूज, ठीक है? क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने अक्टूबर का इनका रिपोर्ट निकालिएगा, इन्होंने कहा था कि मुसलमान मर्द 80-85 साल तक जवान रहता है, मतलब वो इंटरकोर्स कर सकता है, मुसलमान लड़कियां जो है वो 42 तक में खत्म हो जाती है, इसलिए अपनी खेती में फसल उगाने के लिए वो दूसरी लड़कियों से शादी करता है, मतलब 2 शादी 3 शादी 4 शादी। यही अरशद मदनी है जिन्होंने अपने वेबसाइट पर फतवा निकाला था कि अकेले घर में भाई और बहन ना रहे, अकेले घर में बाप और बेटी ना रहे। और जब इस बारे में डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, तो मुसलमान मर्दों ने नेशनल न्यूज के डिबेट पर कहा कि नफ्स कमजोर होता है, अगर निगाह बिगड़ गई तो क्या होगा, मतलब मुसलमान मर्द नफ्स के द्वारा इतने कमजोर हैं कि ना बहन की चड्डी उतारते वक्त सोचते हैं, ना बेटी की का सलवार उतारते वक्त सोचते हैं। देखिए अंजू जी, हम बचपन से एक चीज सोचते हैं कि जब हम हर तरफ से डर जाते हैं तो अपने घर पे सुरक्षित होते हैं, हम घर सेफ फील करते हैं, हम घर पहुंचने के बाद सोचते हैं कि अब घर आ गए, अब हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मुस्लिम घर ऐसा है जहां पर हम बाप के साथ सुरक्षित नहीं है, जहां पर हम भाई के साथ सुरक्षित नहीं है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये अरशद मदनी साहब कह रहे हैं कि कब नफ्ज बहक जाए और भाई बहन पर टूट पड़े और बाप बेटी पर टूट पड़े, कोई ठीक नहीं है। इसलिए एक कमरे में या एक घर में, खाली घर में बाप बेटी को साथ नहीं रहना चाहिए और भाई और बहन को साथ नहीं रहना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मुसलमान मर्दों का नफ्स इतना कमजोर है कि उसका जवाब भी मैं दे देती हूँ। मुसलमान मर्दों का नफ्स इसलिए कमजोर है क्योंकि
ये जिनको मानते हैं और मैं जिनको मानती हूँ, उन्होंने अपनी बहू के साथ शादी कर लिया, उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी कर लिया, तो हम जिसको फॉलो करते हैं जब वो ही ऐसे हैं, तो फिर बाकी सब कैसे होंगे, इसका अंदाजा तो लगाया जा ही सकता है। तो मुसलमान बेटियां अपने पिता के साथ, अपने वालिद के साथ सिक्योर नहीं है एज पर द स्टेटमेंट ऑफ मौलाना अरशद मदनी। मुसलमान बहनें अपने भाई के साथ सेफ नहीं है एज पर द स्टेटमेंट ऑफ मौलाना अरशद मदनी। पर नाजिया जी, जितना कुछ आपने बताया है, मेरे लिए तो मतलब मैंने पहली मरतबा ही निकाह की इतनी वेराइटीज सुनी है कि शादी की भी इतनी वेराइटीज हो सकती है। पर इस पर सवाल उठाने वालों की भी कमी नहीं है। इधर हिमंता जी ने ये फैसला सुनाया है कैबिनेट की बैठक के बाद, उधर बवाल भी होने लगा है। सब मुसलमान नेताओं का तो ये कहना है कि अरे ये तो हमारी शरीयत के में दखलंदाजी है, हमें जो कुछ मिला हुआ है उसमें दखलंदाजी है, ये सब नहीं होना चाहिए, और यूसीसी तो पहले ही खार खाए बैठे वो सब लोग। तो अब फिर ये जो असम की अगर बात करें तो शायद ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस तरह की मैरिजेस को रजिस्टर करने के लिए रखे जाते थे, उनकी नौकरी भी जाएगी, ये सब भी शुरू हो गए हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि मतलब इतने साल पुराना एक कानून जिसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चियां सफर कर रही हैं, बेटियां सफर कर रही हैं, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इतने साल तक हिमंता से पहले की सरकारों ने कि इस बारे में भी सोचा जाए? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती रही कांग्रेस इस देश में और इसीलिए ये हाल हुए आज तक। हाँ जी, किसी देखिए होता क्या था कि नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक, और मुझे लगता है कि सोनिया गांधी को तो ये सब पता भी नहीं, उसने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा, वो तो सच सवर करके सिर्फ मनमोहन सिंह को साइड, प्रधानमंत्री को साइड बैठा करके अपने मेन चेयर पे बैठ जाती थी। उसको तो वो, उससे तो पूछिएगा तो वो बता भी नहीं पाएगी कुछ भी ढंग से, ना अंग्रेजी बोलना आता है ना प्रॉपर हिंदी बोलना आता है। इसलिए क्योंकि कांग्रेस की सरकार को ये बात पता थी कि अगर इन सब चीजों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी तो मुसलमान मर्द नाराज हो जाएंगे, और मुसलमान मर्द खुश तभी होंगे जब ये अश्लीलता का बाजार चलते रहने दिया जाएगा। अब कांग्रेस के दिमाग में ये भी बात थी कि अगर ये सारी चीजों को खत्म करने की बात की जाएगी तो मुसलमान मर्द वोट नहीं देंगे, और मुसलमान शाबानो केस इसीलिए पलटा गया फैसला सुप्रीम कोर्ट का, संसद में। एग्जैक्टली, राजीव गांधी ने खुद कहा था कि ये मुद्दा नहीं उठाया जाएगा क्योंकि इलेक्शन है अभी पास में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये राजीव गांधी का खुद का स्टेटमेंट है, जबकि उनके फर्स्ट आईएएस ऑफिसर ने कहा था कि आपको इस पर नजर डालनी चाहिए, इसको देखना चाहिए, पर उन्होंने कहा था नहीं अभी इलेक्शन है, क्योंकि कांग्रेस को ये चीज का अनुमान था कि अगर मुसलमान मर्द कांग्रेस से खुश है तो वो मार काट करके, पीट पाट करके औरतों से वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में करवा ही दे। पर हिमंता जी की सरकार बोलिए या केंद्र में बैठी हुई मोदी जी की सरकार बोलिए, इनके दिमाग में सिर्फ वोट नहीं है और जनता सिर्फ वोटर्स नहीं है, इनके दिमाग में इक्वल राइट है, फंडामेंटल राइट है, और हर किसी को उनका इक्वल राइट और फंडामेंटल राइट पहुंचना चाहिए। इनके दिमाग में ये चल रहा है, इसलिए ये वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये संविधान के साथ काम कर रहे हैं। लोग इनको गाली दे तो दे, लेकिन आज देखिए इसका नतीजा कि 67.2% मुस्लिम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अभी आपने कहा कि कुछ नेता जो हैं वो आवाज उठाना स्टार्ट भी कर दिए। हाँ जी, समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसन साहब ने कहा है कि मुसलमान के शरिया में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। हाँ, बोल ही सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का आजम खान जियापर्दा के खाकी अंडरवियर के बारे में बात कर सकता है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसन अश्लीलता के शरिया बाजार के बारे में क्यों नहीं बात कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? इसमें शॉकिंग तो कुछ भी नहीं है, आजम खान ने जियापर्दा के खाकी अंडरवियर के बारे में बात किया था। तो उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसन साहब ने आज सारे न्यूज चैनल के सामने शरिया के अश्लीलता इस्लाम के बारे में बात कर लिया उसके पक्ष में। So for me, this is not shocking. लेकिन सोचो जरा कि मेरे को जितनी भी बातें आपने बताई हैं नाजिया, आप सोचिए कि वो सब मेरे लिए तो शॉकिंग ही है। मेरे लिए तो मतलब मैंने तो एक निकाह के बारे में ही सुन रखा था ना, लेकिन आज इस प्रोग्राम के जरिए मेरे बहुत सारे दर्शक भी ये देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे कि निकाह में भी कितनी वैरायटीज हो सकती हैं। हाँ
पर हिमंता ने हिम्मत दिखाई है और यूसीसी की दिशा में से एक बड़ा कदम कहा जा रहा है। बहुविवाह पर भी तो बहुत जल्दी वो फैसला लेने वाले हैं ना जी, सारी ड्राफ्टिंग उनकी कंप्लीट हो चुकी है और बहुत जल्द हम असम में देखेंगे कि बहुविवाह पे भी पूरा कंट्रोल लग चुका है। नाजर जी, इस बारे में जो विस्तार से जानकारी आपने मेरे दर्शकों को दी है और बहुत सारे ऐसे विषय के बारे में बताया जो मेरे लिए भी शॉकिंग है, और क्योंकि जब आप इस तरह के खुलासे करती हैं तो आपको पता है कि हमारे जो कमेंट बॉक्स उसमें किस किस तरह की बातें लिखी जाती हैं, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन आपकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ कि आप दिल खोल के सच बोलती हैं और जो सच लिखा गया वही बताती हैं, और साथ में जो तथ्यों के साथ आप सुरा नंबर बताती हैं, कहाँ क्या लिखा गया वो भी बताती हैं, तो दर्शकों को पता चलता है कि नाजिया के थ्रू जो जानकारी उन्हें मिलती है वो बिल्कुल सटीक होती है, कहीं हवाबाजी नहीं होती है। जितने मुल्ला मौलवी टीवी डिबेट से बैठते वो सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी करते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा को तो खुद नहीं पता है कि क्या लिखा है किताब में, लेकिन आप जब बताती हैं तो इस बात की गारंटी होती है, मोदी जी की गारंटी, इस बात की गारंटी होती है आपकी कि आप बताएंगी वो बिल्कुल सटीक बताएंगी। तो आपने जो जानकारी इस बारे में दी आज, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह नाजिया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे नाजिया जी ने ना सिर्फ बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक संहिता की, बल्कि आपको निकाह के बारे में भी समझाया कि कैसे जिहादी और शांति दूत इसे अपनी अश्लीलताओं को यानी अपनी हवस को पूरा करने के लिए इसको परफॉर्म करते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।